ये जीरा लहसुन ये पुदीना ये हाजमा जब ये हींग पांच तरह के पानी रहते भैया अपने पास यस सर yes, कौन कौन से जीरा लहसुन पुदीना हाजमा रेगुल हींग हींग जीरा वाला मसाला तो क्या क्या रहता है एक मिनट क्या क्या रहता है इसमें धनिया और पुदीना और नमक धनिया पुदीना और नमक और जीरा अच्छा धनिया पुदीना और नमक कितना कितना रहता है लगभग इसमें होगा कम से कम 50-50 ग्राम सब सब धनिया पुदीना और नमक और जीरा 50-50 धनिया कौन सा साउथ डालते हो कैसा डालते हो नहीं वो हरा धनिया हरा धनिया पुदीना कौन सा डालते हो वो हरा ही हरा हरा पुदीना और धनिया पुदीना और नमक और जीरा नमक कितना रहता है वो होएगा 50 ग्राम 50 ग्राम और जीरा भैया वो भी 50 ग्राम 50 ग्राम तो ये कौन सा वाला पानी बन रहा है अभी जीरा जीरा पानी बन रहा है देखिए कितना पानी लोगे अभी ये भैया ने डाल दिया मितवान में तो जीरा पानी बन रहा भैया ये जीरा वाला मिर्च भी डाली भैया आपने इसमें हाँ मिर्च डाली ना मिर्च कितनी है 200 ग्राम 200 ग्राम और बस अब इसमें ये पानी डाल देंगे अच्छा इसमें पानी डाल देंगे पानी कितना डालेगा ये पानी अभी इसको फुल भरेंगे सर तो कितने लीटर का अभी है ये 10 लीटर का है 10 लीटर का हाँ। करीब हाँ 9.5 लीटर करीब पानी रहेगा इसमें बाकी पेस्ट है आपका हाँ और ये लहसुन है ये लहसुन है तो इसमें क्या क्या रहता है 300 ग्राम धनिया और 300 ग्राम लहसुन अच्छा। और 100 ग्राम नमक बस 100 ग्राम नमक हाँ। और ये धनिया पुदीना का पेस्ट है कि केवल धनिया और पालक का पेस्ट धनिया और लहसुन पालक नहीं डालते इसमें नहीं नहीं एक बार दोबारा और बताओ ये क्या क्या डाला है लहसुन लहसुन कितना है लहसुन होगा कम से कम 300 ग्राम 300 ग्राम और धनिया भी 300 ग्राम धनिया पिसा हुआ साबुत नहीं पिसा भाई हरा धनिया और बस और 100 ग्राम नमक 100 ग्राम नमक हाँ। कौन सा वाला तैयार है अपना लहसुन लहसुन का पेस्ट लहसुन का पानी है ये तो देखिए करीब आधा लीटर पेस्ट है और 950 लीटर करीब पानी जाएगा इसमें 10-10 लीटर के मितवान है ये है पुदीना पुदीना तो इसमें हाँ। क्या क्या भैया पूरा इसमें 200 ग्राम पुदीना 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम नमक 50 ग्राम बस तीन चीजें बस और जो पेस्ट किस चीज का ये है ओनली धनिया का और पुदीना का धनिया पुदीना और नमक नमक बस नमक कितना था 50 ग्राम धनिया 100 ग्राम 100 ग्राम और पुदीना 300 ग्राम 300 ग्राम तो ये कौन सा वाला पानी है पुदीना का पानी है यस सर तो पुदीना ज्यादा रहता है इसमें हाँ सर तो देखिए इतना ये इसमें भी डाल दिया करीब आधा लीटर एक लीटर के समथिंग पेस्ट है अच्छा ये सात का है हाँ। तो इसमें पानी कम डाला है फिर आपने हाँ। कितना पानी आएगा इसमें इसमें 7.5 लीटर पानी जाएगा 7.5 लीटर आएगा 7 लीटर पानी जाएगा और 500 ग्राम ही हो जाएगा अच्छा 7.5 लीटर पानी जाएगा 500 ग्राम ही हो जाएगा आप कौन सा बना रहे हो भैया ये हाजमा हाजमा हाजम हाँ इसमें चीनी डली हुई है तो क्या क्या रहता है थोड़ा बताओ इसमें इसमें 200 ग्राम धनिया और 100 ग्राम पुदीना 450 ग्राम चीनी दोबारा बताइएगा भैया 100 ग्राम तो धनिया और 100 ग्राम ही पुदीना और 450 ग्राम चीनी और 20 ग्राम नमक 20 ग्राम नमक हाँ। नमक तो सभी में रहता है हाँ। तो देखिए एक लीटर के समथिंग पानी और पेस्ट है ये हाँ। तो ये डाल रहे भैया देखो पेस्ट देख लो चीनी है तो चीनी अभी घोलोगे भैया हाँ ये अंदर ही घुल जाएगी हाँ। जीरा किस में इसमें इस डालते हैं तो देखिए तो घोल के पेस्ट डाल रहे भैया इसमें पानी कितना जाएगा भैया इसमें अभी 9.5 पानी जाएगा 500 ग्राम ये होगा हींग का है तो इसमें क्या क्या भैया इसमें हींग और नमक और धनिया पुदीना हींग कितनी थी हाँ तैयार बस हींग कितनी थी भैया इसमें सर हींग एक डब्बी है पूरी 10 रुपए 20 रुपए वाली नहीं वो 40 रुपए वाली 40 रुपए वाली हाँ और 120 ग्राम नमक 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम पुदीना 50 ग्राम पुदीना पूरा पीस के रखा हुआ है हाँ, ये देखो पीस लिया अच्छे से हाँ ठीक है पिसा हुआ डाल भी तैयार यार बस ये 2 मिनट लगेगा सर और ये देखिए इसमें भी 9.5 लीटर पानी आएगा भैया हाँ 9.5 इसमें भी 9.5 लीटर पानी आएगा
और कब से लगा रहे हो ये गोलगप्पा? ये मेरे को 7-8 साल हो गए, 7-8 महीना हो गए। 7-8 महीना हो गया। सीखा पहले भैया ने अपने उस्ताद से, मामा जी से सीखा, रामपाल गुजर से, और फिर ये लगा रहे हैं। और 5 तरह के पानी है। हाँ। और देखिए पानी जा रहा है, तो पूरा फुल भर दोगे भैया सभी को? ठीक है, अभी हम स्ट्रीट पे आपको गोलगप्पे का पानी दिखा रहे हैं, मेकिंग दिखा रहे हैं पूरी। तो ये आपका रात तक चलता है भैया पानी? हाँ सर। तो देखिए ये भी इसमें पानी कम है, पर ये 7.5 लीटर का, ये सारे चौड़े हैं, ये लंबा है, तो इसमें करीब 7.5 लीटर पानी आएगा। 500 ग्राम मसाला गया, 500 ग्राम करीब मसाला गया। ये भी फुल बढ़ दिया भैया ने। हाजमा आजम है ना? हाँ सर। मीठा रहता है थोड़ा सा हाजमा आजम? ये हींग, ये हींग वाला है, तो एक पूरी डिब्बी हींग जाती है इसमें। हाँ। और सभी का जो बेस है वो धनिया का रहता है भैया, धनिया पुदीना। पालक नहीं डालते हो आप? पालक का काम भी नहीं है सर। पालक का काम नहीं है? नहीं नहीं। और खटास के लिए क्या डालते हो? इमली। तो सभी में इमली है? सभी में इमली है सर। कितना कितना है? ये बच्चे नहीं ना, इसके अंदर इसको आधा पानी से भर देंगे और 1 किलो इमली डाल के रख देंगे। सुबह में इसको इसका रस निकाल के और इसके अंदर डाल देंगे आधा आधा, सब में आधा आधा। हाँ सर। कितना कितना रस जाता है लगभग? वो कम से कम हो जाता है सर 200-200 ग्राम रस हो जाता है। 200-200 ग्राम? हाँ सर। तो देखिए ये पानी तैयार हो गया, ये हींग का, ये हाजमा जम है, ये लहसुन है, ये पुदीना है, और ये वाला जीरा है। 5 फ्लेवर हैं। मसाला बना रहे हो भैया? हाँ। तो मसाले में आलू और चने और चने और नमक और ये चटनी। नमक और चटनी किस चीज की रहती है भैया? ये मिर्ची भी। जी मिर्ची और बस। तो ये तो ग्रीन चटनी है? ये तो हरी मिर्ची ग्रीन ही होती है ना सर, हरी मिर्च की चटनी है। हाँ। और नमक डाला होगा इसमें? नहीं नहीं नहीं, नमक अलग से हम डालेंगे। अच्छा, नमक वगैरह अलग से डालोगे। तो पुदीना उसमें डालते हो? धनिया और पुदीना भी डालते? नहीं नहीं नहीं, केवल हरी मिर्च। हरी मिर्च, केवल हरी मिर्च। और ये बॉइल चने भैया? हाँ सर। देखिए एक तो 6 आलू थोड़े से चने अंदर फिलिंग का, और ये काला नमक, ये काला नमक टेस्ट अनुसार डाल रहे हैं काला नमक। और ये भैया ये चटनी, ये लाल हरी मिर्च की चटनी है, हरी मिर्च की। तो और भी कुछ डालते हो उसमें? केवल हरी मिर्च? हरी मिर्च बस, हरी मिर्च। हरी मिर्च को पीस लिया है? हाँ। देखिए हाल हाथों से मैश कर रहे हैं भैया, तो ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया। थोड़ा सा चना डाला, ज्यादा नहीं डाला, केवल स्वाद अनुसार आलू ज्यादा है। देखिए पेस्ट पूरा रेडी कर दिया भैया ने, एकदम ग्रीन ग्रीन, और सबसे बढ़िया चीज लग रही है ये देखो, खीरा। पुदीना, जीरा, रसून, लहसुन, पुदीना, हाजमा, हींग। 5 पानी है गोलगप्पे के पानी है ये। अगर इनकी अगर फुल पेस्ट की रेसिपी देखनी है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, भैया आपको फुल रेसिपी बताएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और मैं भी अच्छा लगा तो मेरे को भी में कर देना सर। देखो भाई नाम बता दो भैया। रामलाल गुजर मेरा नाम है, भिलवाड़ा जिले के रहने वाला हूँ मैं, और पालरा मेरा गांव है। अच्छा, पालरा भैया गांव है। यस। और भैया प्रॉमिस भी कर रहे हैं, क्या प्रॉमिस किया भैया आपने? जो भी लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कोई आगे बढ़ना चाहे तो बिल्कुल उसको मैं साथ दूंगा और आगे उसको भी बढ़ाऊंगा। गरीब पूरी बताओगे आप? पेस्ट पूरी घर में बैठ के मेरे साथ में बिठा के दिखाऊंगा उसको, पूरा पेस्ट बताएंगे, पांचों पानी का बताएंगे सर। भाई आप चलते हैं, बाय बाय सर।